आज बैठक होने वाली है। लॉकडाउन को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि कल मुख्यमंत्री ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, इस सर्वदलीय बैठक में उन्होंने यही कहा था कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। अब माना जा रहा है कि जब आज कोरोना टास्क फोर्स की बैठक होगी तो उसमें लॉकडाउन को लेकर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। एक हफ्ते तक का लॉकडाउन लग सकता है, हालांकि अभी पार्शली कई इलाकों में लॉकडाउन है। और खासतौर से अगर बात की जाए मुंबई की या फिर नागपुर की, नागपुर में तो पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई है। माना जा रहा है कि टास्क फोर्स की बैठक में आज निर्णय लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सख्त लॉकडाउन को लेकर उद्धव सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद नेताओं के बयान से सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र पूर्ण लॉकडाउन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में आरोग्य सेवाओं पे बड़ा दबाव बन रहा है, वेंटिलेटर की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन बेड की कमी हो सकती है और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई जा सकती है। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसको लेके मुख्यमंत्री महोदय ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। जो भी आज परिस्थिति कोविड की है पूरे राज्य में, उससे सभी दलों को अवगत कराने का काम किया। कोरोना को लेकर मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल नेताओं के बयान से साफ है कि सभी दल कोरोना को रोकने के लिए सख्त फैसले के समर्थन में है, लेकिन उनकी सरकार से मांग है कि पूर्ण लॉकडाउन जैसे कड़े कदम से पहले सरकार सूबे के गरीबों और कारोबारियों को राहत के लिए रोडमैप तैयार करें। पहिला टप्प्यामध्ये जो कोरोना झाला होता त्याला काही थोडंसं आटोक्यामध्ये होता, किंबहुना तेवढं आपण बेड दिल्या, औषधं दिली, इंजेक्शन्स दिली। आजचा वेग फार जास्त आहे गतीने, आणि त्यामुळे सध्या एक व्यक्ती, एक रुग्ण हा 25 लोकांना लागण करू शकतो। त्यामुळे ही साखळी तोडणं गरजेचं आहे, आणि ही साखळी तोडायची असेल तर मग कडक निर्बंध सुरुवातीला काही दिवस ते लावणं अतिशय आवश्यक आहे। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़े जानकारों को भी हैरान कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के पुणे में 9,864 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 58,993 रहा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा पूरी दुनिया का 7.5% है। महाराष्ट्र से ज्यादा केस अब सिर्फ ब्राजील और अमेरिका में ही मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर उद्धव सरकार अगले 2 दिन में कड़े फैसले कर सकती है। इसके लिए आज कोविड टास्क फोर्स की आपात बैठक बुलाई गई है। लॉकडाउन क्यों किया है, किस हालत में किया है, सबको मालूम है। गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है गुजरात सरकार को कि देखिए बाजू के राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया है, आप भी लगाइए। तो जरूरत है इसलिए लगाया है ना, कोई आनंद से या कोई खुशी से इस प्रकार के निर्णय नहीं लेते। शनिवार को ही सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि कोरोना को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं जानता हूं कि लॉकडाउन एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन दुनिया ने इसे स्वीकार कर लिया है। हमने लोगों को रोकने का प्रयास किया, ऑफिस के समय में बदलाव किया, लोगों को घर से भी काम करवाया, लेकिन संक्रमण के केस कम नहीं हुए। माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला कर सकती है। इधर बीजेपी पूर्ण लॉकडाउन के समर्थन में नहीं है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, अस्पतालों में रेमडेसिविर की कमी दूर की जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए। बीजेपी का मानना है कि सरकार कड़े फैसले ले, लेकिन लोगों की मुश्किलों को भी ध्यान में रखा जाए। टीम न्यूज़ नेशन।